What's up guys? आज हम देखने वाले हैं जेवलिन थ्रो 2 फीचरिंग तन्मय भट्ट। तो भाई यार आरजी बकेट लिस्ट की वीडियो कितने टाइम बाद आई है। सीरियसली मुझे कई बार तो लगता है कि भाई पासवर्ड तो नहीं भूल गया। मजाक कर रहा हूँ भैया, एनिमेशन वीडियो स्क्रिप्ट लिखना टाइम लगता है, तो करते साथ में एंजॉय। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक। भाई लड़कियां कितनी सुंदर होती हैं इसमें भी, एक तो देखी थी। The Bluetooth device is ready to pair. ओहो। ओहो। एक और लिलियस की वीडियो में भी होती हैं लड़कियां। 25 फ्लोर। 25वें माले पर रहता है ये। ओ भाई रोक दे, रोक दे भाई। दरिया हॉरर क्यों हो रहा है? लिफ्ट खराब है क्या? दरवाजा रुक क्यों नहीं रहा? रुक गए क्या? रुक गए। कितना गजब किया हुआ है जो फास्ट पेस जा। तो छपरी भाई, इसको दर्द नहीं हुआ क्या? जरा भी नहीं चिल्लाया। एक्चुअली वो अपने मन में चिल्ला रहा है, बट वो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। शुरुआत बड़ी। भाई साहब आप ठीक तो है ना? भाई साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पैसे वाली पार्टी लग रहा है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मेरा हाथ फंस गया था इस लिफ्ट के अंदर क्योंकि इस चपड़ गंजू ने लिफ्ट का दरवाजा रोका नहीं। मैंने नहीं रोका। कितना झूठ बोलता है, पूरा टाइम खाली फोन में घुसे रहते हैं आजकल के बच्चे। खुद भी तो वही कर रहा है। किसी की परवाह नहीं करती आजकल की ये क्या कहते हैं उसे, गंजी जनरेशन। पहली बात जेन जी होता है वो भाई साहब, और दूसरी बात मुझे तो पता भी नहीं था आप लिफ्ट में घुसने वाले। है तो आज हम जाने वाले हैं मेरे दादाजी की मैयत पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खास कर इस इवेंट के लिए इवेंट? मैयत को इवेंट कौन बोलता है? एयर जॉर्डन के नए जूते लिए हैं। हाँ। और व्हाइट कलर इसलिए लिए हैं क्योंकि मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए ना ड्रेस कोड के साथ। ऐसे क्या देख रहा है भाई? हाँ जी कुछ नहीं। अच्छा शाउट आउट चाहिए? शाउट आउट? शाउट आउट? नहीं मुझे शाउट आउट नहीं चाहिए। क्या नाम बताया अपना? रोहित। हाँ तो जल्दी बोलो ना, इतना फुटेज क्यों खा रहा है? तो गाइस देखो फिर से मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया। बेचारा जानता भी नहीं इसको। मतलब ये फेमस होना भी कितना मुश्किल है यार, लोग कहीं भी पहचान लेते हैं। क्या नाम है वैसे आपका भाई? अभी तो बताया था। तो गाइस बने रहिए इस व्लॉग के आखिरी तक, काफी मजा आने वाला है आज के इवेंट में। हम सब साथ में मिलकर रोएंगे। साथ में रोएंगे? अब क्या लाइव स्ट्रीम भी करेगा उधर से? भाई शाउट आउट। थैंक यू फॉर द 40 रुपीस तलविंदर चड्ढा। आप कमेंट सेक्शन में रोने वाला इमोजी डालकर बताना आप लोगों ने कितना रोया। हे भगवान। क्योंकि दादाजी के जाने के बाद मेरी दादी अकेली पड़ गई है। शाहरुख खान। तो इसीलिए उनको खुश करने के लिए आज इस ब्लॉग के एंड में मैं उनको एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या हो गया भाई? आप ये जानबूझ के कर रहे हो क्या? क्या जानबूझ के कर रहा हूँ? यही जो बकवास किया जा रहे हो आप तब से। आई मीन आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न फॉर वुमेन प्लेजर, बट वाइब्रेटर कौन गिफ्ट करता है मैयत पे? वो भी दादी को। दादियां खुद वाइब्रेशन में रहती है हमेशा, और ऊपर से आप ये सब ब्लॉग में दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। एज अ यूट्यूबर आपको फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट बनाना चाहिए। ए, यूट्यूबर मैं हूँ कि तू है? गैरी मिनाटी की तरह गाली थोड़ी ना दे रहा हूँ, मुझे मन से कहा चल। यूट्यूबर मैं हूँ कि तू है? हम लोग काफी करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के लिए। एंड या जस्ट लाइक दैट
I started making videos on YouTube and here I am with over 8,000 f***ing subscribers. ठीक है ना यार, बेचारा मेहनत ही तो कर रहा है। शुरुआत तो मैंने भी ऐसे ही की थी। बात तो सही थोड़ा है, बहुत तो चलता है यार। घमंडी नहीं बोलना चाहिए मुझे। ए, तुमको सेल्फी चाहिए क्या मेरे साथ? घमंडी कहीं का नहीं चाहिए। बड़ा अजीब फैन है। खैर तो आप ऐसे घटिया लोगों के ओपिनियन पे ध्यान मत दीजिए। नए नए शिफ्ट हुए हो? जी। तो कौन से फ्लोर में रहते हो? फिर भी पूछ रहा है। जी 25। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हो सकता। लिफ्ट ज्यादा स्लो नहीं है। तन्मय भट्ट को जानते हो? तन्मय भट्ट, अरे वो AIB FIB। हाँ, मैं जानता हूँ वो कौन है। देखता हूँ मैं उनके वीडियोस। उसको व्लॉगिंग किसने सिखाई? किसने? आपने? हाँ, बचपन का दोस्त है मेरा। मैं बोला उसको कितना पबजी खेलेगा, थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करना सीख ले मेरे से। हैं, क्या बात कर रहे हो, सच्ची? हाँ, आज देखो कहाँ पहुँच गया। वही तो, आपसे सीख के आपसे ही आगे निकल गया, बताओ। बस क्या, तुमको कभी सेल्फी वगैरह चाहिए होगा ना तन्मय भट्ट के साथ? जी। मेरे को बस एक फोन कर देना। एकदम जिगरी दोस्त है मेरा। लिफ्ट में नेटवर्क मिल कैसे रहा है? देख लिया क्या इसने? उसके दोस्त नहीं देखा, नहीं देखा। काट दूं क्या? नहीं, काट दूंगा तो बोला मान जाएंगे, पर मैं उठा भी तो नहीं सकता। फक इट, लिफ्ट से निकल के बात कर लूंगा। अरे बचपन में एक दूसरे की चड्डी में हाथ डाल के कसमें खाया करते थे हम। हाथ डाल के कसम? एक्चुअली फोन उठा लेना चाहिए था मुझे और इसके मुंह में घुसेड़ देना चाहिए था। उठा ले। लिफ्ट 10 मिनट से ऊपर ही जा रही है क्या? उठा ले। हेलो तन्मय भाई, कैसे हो? तुमने मेरा कॉल काटा क्या अभी? नहीं तो मैं आपका कॉल क्यों काटूंगा। मतलब मैं वो थोड़ा बिजी, मतलब फंसा हुआ हूँ। अच्छा, बिजी, राइट। बहुत बड़ा भी हो गया ना तू, हाँ? RG बकेट लिस्ट? अरे नहीं तन्मय भाई, आप गलत समझ रहे हो। आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? तू क्या पुराने जोक्स मारता है? सुन मेरी बात, अगर आज के बाद मेरा कॉल काटा ना तो मैं तेरे वीडियोस पे रिएक्ट करूंगा और उस पे हंसूंगा भी नहीं, समझा? हाँ, मैं समझ गया। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ ना, आराम से बैठ के। डोंट यू डेयर कट माय कॉल। काट रख दियो। यू नो आई एम, आई एम ऑल एशिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। टॉक लेटर, बाय। काट दिया। कि ब्लॉगिंग किसने सिखाई उसको? अरे आज भी मेरे व्लॉग्स देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। और मैंने जो बोला, अभी तक फेंक ही रहा है ये। चुप हो जा नीरज चोपड़ा की औलाद। क्या बोला? अब कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि आपने कभी जैवलिन थ्रो ट्राई किया है? ये हाँ वही गेम ना जिसमें लंबा फेंकना होता है। वो पागल है, भट्ट को जानते हो? उसको व्लॉगिंग किसने सिखाई? थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करना सीख ले मेरे से, बचपन का दोस्त है मेरा। फंस गया, फंस गया। मजाक उड़ा रहा है मेरा? हाँ नहीं, मैं तो बस मजाक कर। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ उठना बैठना है मेरा, समझा? अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। छोटा यूट्यूबर हूँ समझ के हंस मत। नहीं, मैं उस बात पे नहीं हंस रहा था आप पे भाई साहब। तो मैं क्या चूतिया हूँ? हाँ, मैं हूँ चूतिया, मुझे नहीं हंसना चाहिए था आप पे, गलती होगी मुझसे। I am sorry बाबू। तो खुद यूट्यूबर होता ना तब पता चलता तेरे को कितनी घिसानी पड़ती है। जी सॉरी, पता नहीं था मुझे। आगे से नहीं हंसूंगा, सॉरी। ठीक है, चल निकल। आगे से दांत ही नहीं बचेंगे, कहां से हंसेगा? छपरी। अबे आज बकेट लिस्ट का ये आ गया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ उठना बैठना है मेरा, समझा? खुद यूट्यूबर होता ना तब पता चलता तेरे को कितनी घिसनी पड़ती है। जी सॉरी, पता नहीं था मुझे। आज अब तू गया। ये
तो होश उड़ गए इसके। सब्सक्राइब टू आजी बकेट लिस्ट। चलता हूँ। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले जस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय फेलो वॉइस आर्टिस्ट। हाय, मैं हूँ राजेश कवा, वॉइस एक्टर। आपने मुझे हैरी पॉटर से लेकर स्क्विड गेम के हीरो तक सुना। आपने सास्के उचीहा, आपका ही मैं ब्रोली एंड्रॉइड 17 और आप ही का मैं दोपिंदर हमने ढेर सारे किरदार आपने जो प्यार दिया है। लेकिन आज जो आरजी के साथ हमने ये वीडियो में काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इनका विजन, इनकी राइटिंग है, मतलब स्क्रिप्ट है, और इनका डायरेक्शन, मेरे लिए डायरेक्शन मायने रखता है क्योंकि आई एम डायरेक्टर्स एक्टर। तो इन्होंने जो मुझे बहुत विजन क्लियर था डायरेक्ट किया, मजा आ गया। तो ये किरदार देख के आपको कैसा लगा, ये हमारे लिए मायने रखता है। Also, shout out to my channel members, and last but not least, thank you so much, Tanmay bhai, for giving a cameo in this video. Love you so much. So, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye. और हाँ, मैंने Facebook page भी खोला है, जाके follow कर लेना। ये last में टर्क बढ़िया था भैया, ये बढ़िया था, यही तरह के था टर्क। जो end में जो twist था, जो मुंह तोड़ जवाब मिला है ना उस बंदे को, चाहे वैसे, और क्या ये real life incident है? जिस तरीके से लिफ्ट का सफर देखने को मिला, ये लिफ्ट बड़ी कैजुअल थी, लिफ्ट ज्यादा ही स्लो नहीं थी, आराम आराम से भाई। लेकिन एक जो तने भाई का कैमियो कह लो, या जिस तरीके वो बंदा फेंक रहा था, जैसे हाथ वाला बात, या कह देना छपरी, बढ़िया थी वीडियो, मजा आया। मैंने लिटरली काफी लोग करते हैं ऐसी हरकतें। आप मिलोग ना, यहाँ यूट्यूबर्स की बात नहीं करूंगा मैं, कहूंगा कि लोग नॉर्मली ऐसे कहते हैं, अरे उसको तो मैं जानता हूँ, उससे तो मैं मिला हुआ हूँ। यहाँ यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मली अगर कोई वैसे भी इंसान होगा, अरे वो उस नेता के लड़का तो मेरे साथ खेलता है, ये वो बिजनेस है, अरे वो तो हमारे साथ ही करता है, ये तो बचपन में मेरे साथ ही घूमता था। हीरोइन को कह देंगे ये तो मेरी क्लास में थी यार, काम है फेंकना। लेकिन जो एनिमेशन थी, जैसे एकदम से शकल के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और वो जो फास्ट पेस, जो एक्शन वाले साइड इफेक्ट्स आते हैं ना, गजब थी वीडियो। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय करोगे, काफी टाइम बाद वीडियो आई है भाई की, लेकिन देर है दुरुस्त है, मस्त वीडियो थी। एंड भाई का वो कैमियो बढ़िया था तना भाई का। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, आपको कैसे लगी वीडियो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।